सुनो इंडिया। राजस्थान विधानसभा में आज आदिवासियों के सामने भुखमरी और बच्चों में कुपोषण के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने की वजह से बच्चों की मौत भुखमरी और कुपोषण के कारण हुई है। वहीं सरकार ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। पिछले कुछ दिनों में 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद में कुपोषण से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं उदयपुर जिले में भुखमरी से मौत की खबर है। सीधे रुख करेंगे श्रीपाल सक्तावत, इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। श्रीपाल, ये बताइए, सरकार गंभीर तो है इस मसले पर, लेकिन किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि कम से कम इसे तत्काल रोका जा सके? चित्रा, इस ये जो मौतें हुई है इसका इंडिया न्यूज ने खुलासा किया था और उसके बाद आज विधानसभा में इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने घेरा सरकार को और सरकार सफाई देती रही कि वो जो मौतें हुई है मौसमी बीमारियों की वजह से हुई है और सरकार अब जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनका सर्वे करवाकर उनके इलाज के उपाय कर रही है। यानी कि सरकार सिर्फ बयानों के मामले में ही गंभीरता दिखा रही है और सच्चाई उसके ठीक उलट है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। अभिषेक और श्रीपाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसी के साथ सुनो इंडिया।